हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बहुत क्लोज हैं 100 के सब्सक्राइबर्स के। हमारी फर्स्ट अपडेट आ रही है गेमएक्स प्रो से रिलेटेड। उनकी लेटेस्ट वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करके बताया, लेटेस्ट वीडियो गॉट रिमूव्ड बाय यूट्यूब। नवाब जादे वाला मेम यूज करने पे मे बी, बट वो तो ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा वीडियोज में यूज हो चुका है, फिर मेरी वीडियो ही क्यों? जस्ट एक मेम यूज करने पे स्ट्राइक प्लस 7 डेज चैनल सस्पेंशन। इस मामले में मेरी किस्मत बहुत खराब है, लास्ट टाइम भी एक मीम यूज कर दिया था और वीडियो रिमूव हो गई थी यूट्यूब से, प्लस 7 डेज चैनल सस्पेंड, एंड इस बार भी सेम मीम यूज करने के लिए स्ट्राइक एंड चैनल सस्पेंड। नवाब जादे का ट्रेलर अभी तक चल रहा है एंड मेरी वीडियो 1 आवर में रिमूव। लास्ट टाइम भी मैं कुछ कर नहीं पाया था एक अपील के सिवा, इस बार भी कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब है भाई, 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ ये स्काउट से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते ही होंगे एंड मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही था कि स्काउट का चैनल हैक हो गया है, तो उन्होंने अल्फा क्लैशर का चैनल यूज किया था एक इवेंट की स्ट्रीम करने के लिए। तो उन्होंने अपने चैनल पे अपडेट देते हुए कुछ ये बोला, आपका अकाउंट कब रिट्राइव होगा? हो जाएगा, हमारी टीम उसे वर्क कर रही है, यूट्यूब काफी अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है, विल गेट आवर अकाउंट बैक सून। चिल मारो कुछ दिन, चलते हैं। रॉन्ग चैनल। हाँ सर, हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए सर, तो अल्फा के चैनल पर आ गए। बहुत दिनों से क्या अल्फा का चैनल में आए नहीं थे ना, मेरा चैनल हैक हो गया, मैं अल्फा का चैनल हैक कर दिया हूँ। तो जैसे कि हम लोग से लेन देन करते रहते हैं। वाई यूजिंग अल्फा अकाउंट? क्योंकि भाई अल्फा वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे को अकाउंट दिया है फॉर स्ट्रीमिंग। क्योंकि मेरा एक इवेंट था आज, जिसके चक्कर में मैं वो इवेंट अपने चैनल पर स्ट्रीम करना था, पर मेरा चैनल आपको पता है बूम बम हो चुका है। सो यस, आई कैन नॉट स्ट्रीम, बट अल्फा है तो हम लोग कर सकते स्ट्रीम। अल्फा कैसा है ब्रो? रिकवर हो रहा है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। हैकर ने स्काउट के चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसपे स्काउट ने बोला, अ वीडियो हैज बीन अपलोडेड ऑन अ चैनल, प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम फॉलोइंग एनीथिंग शोन इन द वीडियो, इट इज अपलोडेड बाय द हैकर, वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द चैनल, द हैकर इज टू स्मार्ट, ही इज यूजिंग स्टफ फ्रॉम आवर गूगल ड्राइव, वन ऑफ देम इज अ फैन मेड चैनल आर्ट विच ही मेड हिज डेस्कटॉप वॉलपेपर। थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि हैकर द बेस्ट सॉफ्टवेयर नेम का यूट्यूब चैनल है वो हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो स्काउट के चैनल पे डली हुई है वो वीडियो द बेस्ट सॉफ्टवेयर के चैनल पे भी डली हुई है, विद द सेम डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, एंड डेस्कटॉप आइकन्स भी सेम अलाइंट है जैसे स्काउट की वीडियो में है। तो आई थिंक यूट्यूब को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है 3 मिलियन तक पहुंचने में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे यूट्यूब तक ये बात पहुंच सके, एंड कोई भी इस लिंक्स एंड स्टेप्स जो बताए गए हैं इस वीडियो में वो ना करे, अदरवाइज तुम्हारा अकाउंट भी हैक हो सकता है। हमारी नेक्स्ट अपडेट पबजी मोबाइल से रिलेटेड आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट पबजी मोबाइल को अनबैन करने के मूड में नहीं है अभी। चाहे टेंसेंट ने अपनी पार्टनरशिप पबजी मोबाइल के साथ तोड़ दी है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अनबैन शायद नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पबजी मोबाइल एक वायलेंट गेम है। पबजी ने कंफर्म करा कि जियो के साथ अभी बातें चल रही हैं पबजी मोबाइल को वापस लाने के लिए। आपको क्या लगता है, पबजी मोबाइल वापस रिलॉन्च होगी इंडिया में या नहीं? हमारी नेक्स्ट अपडेट एंग्री प्राश से रिलेटेड आ रही है। एंग्री प्राश ने एक वीडियो अपलोड करी है जिसका नेम है, आप और प्राश दोस्त कैसे बने Q&A। तो इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा कि आप अपना फेस रिवील कब करोगे, तो उन्होंने कुछ ये बोला, राज भाई फेस रिवील कब होगा? आई थिंक आफ्टर 10 मिलियन। हाँ, 10 मिलियन के बाद करूंगा फेस रिवील। क्या प्राश के पास है? हाँ है ना, वो भी बहुत बड़ा है। क्या भाई? मेरा नाक बड़ा है, मेरा दिल बड़ा है, मेरा नुन्नू अभी थोड़ा छोटा है, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।